आईपीएल सीजन 14 का 31वां मुकाबला आरसीबी और केकेआर के बीच में खेला जा रहा है, और अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है आरसीबी का। एक बेहतरीन स्पेल, वरुण चक्रवर्ती अपना एक तरीके का ड्रीम स्पेल डाल रहे हैं, ये उन्होंने पहले भी किया है और एक बार फिर करते नजर आ रहे हैं। यहां पर उन्होंने 7वां झटका आरसीबी की टीम को दे दिया है। 3 ओवर के स्पेल में उन्होंने अभी तक 8 रन और 3 सफलताएं अर्जित की हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन सचिन बेबी का विकेट यहाँ पर उन्होंने चटकाकर आरसीबी को बैकफुट पर ढकेल दिया। आरसीबी यहाँ से 120-130 भी बना ले उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। 6 ओवर का खेल और रह गया है, 14 ओवर में 68/7 है आरसीबी का स्कोर। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आज स्पिनर्स सहित यहाँ पर पेसर्स ने भी विकेटें चटकाई हैं। लॉकी फर्ग्यूसन 3 ओवर 20 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर 18 रन देकर 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 3 ओवर 9 रन देकर 3 विकेट। सुनील नारायण 3 ओवर 14 रन देकर कोई सफलता नहीं। ज़बरदस्त अंदाज में आज उन्होंने बल्लेबाजी को टैकल किया है। वहीं दूसरी तरफ सचिन बेबी के विकेट के रूप में आरसीबी को यहां पर गंवाना पड़ा है अपना एक और विकेट। 7 विकेट यहां पर आरसीबी के गिर चुके हैं। अब देखना होगा कि किस अंदाज से यहां पर ये टीम जो है वो खेलती है, लेकिन अभी तक ज़बरदस्त अंदाज में ये मुकाबला चल रहा है। केकेआर के हाथ में हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला है, और अगर थोड़ा बेहतर क्रिकेट ये और खेलते हैं तो केकेआर की टीम को इसका फ़ायदा हो सकता है। अंक तालिका में काफ़ी नीचे, आरसीबी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास मैचेस हैं, लेकिन आरसीबी को अब सोचने की ज़रूरत है कि वॉशिंगटन सुंदर आपके पास नहीं, आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, और फिर जब आप इस तरीके के खिलाड़ियों को खिलाते हैं, सचिन बेबी जो किसी टीम के लिए अच्छा नहीं कर पाया, आप उन पर भरोसा जता रहे हैं, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। शायद आप प्रैक्टिस किस बात की कर रहे हैं ये भी सोचने वाली बात है, और कई लोग जो ट्रॉलर्स हैं फिर वो यही बात कहते हैं कि भाई आपने अगर कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है तो वो सही किया है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।